हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये है केक का पार्ट टू वीडियो। पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ये कलरफुल स्पॉन्ज बनाने की रेसिपी दी है। तो अगर आप लोग ने चेकआउट नहीं किए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से ये कलरफुल केक को हम डेकोरेट करते हैं घर पर ही। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस घर पर केक बनाया है, वो रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो है बेकर व्हिपिंग क्रीम पाउडर। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, जस्ट ट्रायल बेसिस पे ऑर्डर किया था, बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, तो आप बस वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए और क्रीम बना लीजिए, काफ़ी अच्छी क्रीम बनती है। सो मैंने इसको यूज़ करने से पहले फ्रिज में रख दिया था 15-20 मिनट, ताकि ये चिल्ड रहे एकदम। साथ में हमें चिल्ड वाटर यूज़ करना है इसको मिक्स करने के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने ले ली है 2 कप्स क्रीम। क्वांटिटी आप वेरी कर सकते हैं, बट 2 to 3 कप्स में केक का डेकोरेशन आराम से हो जाता है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे एकदम चिल्ड वाटर और इसको एक मिक्स दे देंगे। वाटर आपको आपकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करना है, वो आप इंस्ट्रक्शंस में भी पढ़ेंगी। तो 100 ml to 200 ml वाटर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बस पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब ये मिक्स हो गया है, तब इसको आप हाई स्पीड के बीटर से 3 से 4 मिनट्स आप इसको बीट कर लीजिए। बीट करने के बाद में हमारी क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। और जैसे ही आपकी क्रीम बीट हो जाए, तब इसको आप फ्रिज में रख दीजिए वापस से। 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखिए, उसके बाद में इसको यूज़ करेंगे हम। सेकेंड स्टेप पे यहाँ पे मैं पानी में शुगर मिला रही हूँ, हमें शुगर सिरप बनाना है केक को सोक करने के लिए। तो 1 कप जितना मैंने वाटर लिया है और उसमें 4 to 5 tablespoons मैंने शुगर डाल के उसको मिक्स करके साइड में रख दिया है। अब जो ये हमारा केक का स्पॉन्ज है, उसे हमें कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक नाइफ़ की हेल्प से पहले आप मिडल ऑफ द स्पॉन्ज एक कट कर दीजिए। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से स्मॉल एक कट दे रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक थ्रेड यूज़ करूँगी और जो हमने कट्स दिए हैं उसके अंदर हम इसको फिक्स करेंगे और फिर थ्रेड से हम केक को बीच में से कट कर देंगे। थ्रेड से काफ़ी इक्वल कट हो जाता है एंड बीच में से ऊपर नीचे भी नहीं होता है। सो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपका केक बहुत अच्छे से स्पॉन्ज कट होगा। सो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट कर रही हूँ केक को, एंड हमारा केक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कितना कलरफुल लग रहा है, फुल ऑफ रेनबोज, एंड बच्चों को कलर्स बहुत पसंद आते हैं, तो ये केक आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, आप अगर चाहे तो एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं 1 kg केक का राउंड कट करके वो यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर ही उसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो एक साइड वाला केक ले लिया है, उसको हम शुगर वाटर से सोक कर लेंगे पूरा अच्छी तरह से, अदरवाइज़ जब तक हम केक खाते हैं तब तक वो ड्राई हो जाता है। सो केक को हमें मॉइस्ट रखने के लिए उसे अच्छी तरह से शुगर सिरप से सोक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने शुगर सिरप से सोक कर लिया है, उसके बाद में हम यहाँ पे हमारी व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। यह हम घर पे बना रही हूँ मैं ज़्यादा कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आप इसको हल्के हाथ से स्प्रेड करेंगे तो क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड पोर्शन रख देंगे। सेकेंड पोर्शन को आपको उसको उल्टा रखना है, ताकि ये जो स्पॉन्ज साइड है वो अपर साइड में आए एंड जो हमारा बेक हुए हुआ केक है वो अंदर साइड चला जाएगा। इसको भी हम शुगर सिरप से सोक कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारी व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम आप जैसे ही यूज़ करें उसके बाद में उसको फ्रिज में रख दीजिए, अदरवाइज़ उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं रहती है। और इसको भी हम अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। मैं एक नाइफ़ की हेल्प से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। सो ये हमारी क्रीम अपर पोर्शन पे भी लग गई है, तो अब हम साइड एजेस पे लगा लेंगे। तो एक स्पून की हेल्प से मैं यहाँ पे क्रीम लगा दे रही हूँ और उसके बाद मैं एक नाइफ से हम इसको रोल कर देंगे। जैसे ही आपकी ये क्रीम की आइसिंग हो जाए, इसको आप फ्रिज में रख दीजिए केक को सेट होने के लिए, ताकि क्रीम आपकी अच्छे से केक पे सेट हो जाए। उसके बाद में हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। तो डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, साथ में नोज़ल ले लिया है, फ्लावर वाला नोज़ल लिया है मैंने, और पाइपिंग बैग में ही मैं पिंक कलर का कलर डाल रही हूँ। अभी कलर को हम पाइपिंग बैग पे ही स्प्रेड कर देंगे और बाद में क्रीम में नहीं, ताकि वो डबल कलर का इफ़ेक्ट आता है, वाइट एंड पिंक कलर का इफ़ेक्ट आएगा, वो बहुत ही सुंदर लगेगा। सो ये कलर मैंने बस डाल दिया है पाइपिंग बैग में, अब इसमें हम क्रीम डाल देते हैं।
एंड बस इस पे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स बना देंगे कॉर्नर्स पे। आप केक को जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कलरफुल लुक देना था केक को, सो मैंने यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स बनाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं पिंक कलर के ही लीव्स दे रही हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास जिम जैम बिस्किट्स है जिसको मैं केक के साइड में लगा रही हूँ गैप कैप से। आप चाहे तो आपकी बीबी को जो बिस्किट पसंद है वो लगा सकते हैं या जिसके लिए बना रहे हैं उनको कोई स्पेसिफिक पसंद है तो वो चीज़ आप यहाँ पे साइड में डेकोरेशन में लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का क्रीम ले लिया है और पाइवियन बैग को बस नीचे से एक छोटा सा कट दे दिया है नेम लिखने के लिए। यहाँ पे मेरी नीस का भी बर्थडे था, नेफ्यू का भी बर्थडे था एंड मेरी डॉटर का भी, तो मैंने बस तीनों के नाम लिख दिए हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे वही फ्लावर वाला नोजल यूज़ करके ग्रीन कलर की लीव्स बना दी है एंड केक के साइड में बिस्किट्स में जो मैंने गैप रखा है उसके बीच में इस तरह से मैं थॉर्न इफेक्ट दे रही हूँ एंड ग्रीन कलर से केक को कवर कर दे रही हूँ ताकि अगर आपकी आइसिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई है तब भी वो कवर हो जाती है एंड केक का लुक बहुत ही अच्छा आता है। सो आप देख सकते हैं घर पे ही विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प एंड एनीथिंग केक काफ़ी अच्छा बन गया है। नेम जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहे थे तो मैंने एक और ब्लू कलर का इफेक्ट देके उसको वापस से नेमिंग कर दिया है एंड फाइनली हमारा केक डेकोरेट होकर तैयार है। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, यहाँ पे मेरे पास गोल्डन पाउडर है जो स्प्रिंकल पाउडर आता है वो, सो मैं बस यहाँ पे गोल्डन पाउडर जो है उसको स्प्रिंकल करने वाली हूँ फ्लावर पे एंड फाइनली हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको ये क्विक रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाजू की बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ मिस ना करें। टिल देन गुड बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे सेफ़।